लोकल रिचार्ज खत्म होने वाला था और बचा हुआ इंटरनेट मैंने सोचा किसी काम में ले लेते हैं, तो BGMI मैंने इंस्टॉल कर लिया। और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको ये गेम इंस्टॉल करना चाहिए कि आपको ये खेलना चाहिए, और इसमें कौन कौन से नए फीचर्स ऐड किए गए हैं, क्या आपको चेंज देखने को मिलता है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से एंड तक देखिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो 780 MB का ये गेम है, उसके ऊपर से मुझे 684 MB का अलग से मैप डाउनलोड करना पड़ा। और यहाँ पर कुछ इस तरीके के यहाँ पर आपको मैप देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा एक ट्रेनिंग ग्राउंड है और चेयर पार्क भी आपको देखने को मिलता है। बाकी आप देख सकते हो पूरा इंटरफेस बिल्कुल पहले जैसा ही है, उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है अभी तक। गेम स्टार्ट होने से पहले जो आपको ग्राउंड दिखाते हैं वहाँ पर कई बार हेलीकॉप्टर देखने को मिलता है, और फ्लेयर चला क्रिकेट जो आप ड्रॉप मंगवाते हो उसी तरीके का एक स्टार्टिंग में ड्रॉप देखने को मिलता है। तो हर बार ये चेंज होता रहता है, कुछ अलग आपको देखने को मिलेगा। आपकी टीम में जितने भी प्लेयर है उनका आपको कैरेक्टर इंट्रोडक्शन दिखाया जाएगा। उसके बाद में प्लेन का जो एनिमेशन है वो भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है। मैप आप देखोगे तो वो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। मैप में कोई भी जगह आप मार्क करते हो तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, जैसे वहां से कोई फ्लेयर चलाई हो या फिर रेडलाइट वाला जैसा इफेक्ट है वो आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। और गेम इंस्टॉल करते ही पहली बार जब मैंने खेला तो कई बार इसमें सर्वर में प्रॉब्लम आ रही थी, बार बार लॉग इन पेज पर मारा था। उसके बाद जैसे सब कुछ ठीक हुआ, मैंने गेम को खेला, सब कुछ ठीक था, एनिमेशन सही थी और बिल्कुल पहले जैसा एक्सपीरियंस था, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं आ रही थी। लेकिन उसके बाद से जितनी भी बार मैं गेम को यहाँ पर खेल रहा हूँ उसी मैप के साथ में, तो मुझे जो एनिमेशन है वो काफी खराब देखने को मिल रही है। किसी रूम वगैरह में एंटर करते हैं तो ना एनिमी दिखाई देता है ना ही गन दिखाई देती है, बिल्कुल खराब एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। मैप में भी ऊपर की तरफ में देखें सब कुछ डार्क देखने को मिलता है, पता नहीं मैप में कुछ दिक्कत है या फिर कनेक्शन में प्रॉब्लम है। यहाँ पर आप पिंग वगैरह भी चेक कर सकते हो साइड में। बाकी जहाँ पर भी ग्रास वगैरह आपको देखने को मिलती है वहाँ पर कुछ व्हाइट व्हाइट यहाँ पर पत्थर जैसा कुछ देखने को मिलता है, पता नहीं ये क्या चीज है, लेकिन देखने में बिल्कुल खराब लगता है, आंखें दर्द करने लगती है। मेरा भी मूड जल्दी खराब हो गया था इसलिए मैंने इसको बाद में अनइंस्टॉल भी कर दिया था। लेकिन उससे पहले आपको कुछ नए फीचर्स बता देता हूँ जो हो सकता है आपको पसंद आए, और एक इसमें काफी फनी फीचर है वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो उससे पहले बता देता हूँ, यहाँ पर आप कोई भी बैंडेज वगैरह है उसको ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन ड्रॉप करने के बजाय आप इसको फेंक भी सकते हो कहीं पर भी। जैसे कि आपका टीममेट थोड़ी दूरी पर है, उसको बैंडेज चाहिए लेकिन आप दूसरी साइड खड़े हो, तो आप निशाना लगा करके जैसे बॉम्ब फेंकते हो, ग्रेनेड फेंकते हो, उसी तरीके से आप इसको भी फेंक सकते हो। कुछ मैप्स में आपको साइकिल स्टैंड देखने को मिलेगा जहाँ से आप साइकिल लेके जा सकते हो। इसके अलावा कुछ जगह पर आपको पेट्रोल पंप देखने को मिलेगा, यानी आप अपने व्हीकल में जो है पेट्रोल डलवा सकते हो वहां से। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे चेंजेस भी हैं, जैसे कि जो छोटे मोटे टावर होते हैं वहां पर खिड़कियों में आपको कांच देखने को मिलेगा जिनको आप बुलेट से फोड़ सकते हो। और वायलेंस को कम दिखाने के लिए इसमें ब्लड को जो है वो ग्रीन दिखाया गया है, ये आपको पता ही होगा। इसके अलावा एक फीचर यहाँ पर एड हुआ जो मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, सोचा आपके साथ में शेयर करना चाहिए, काफी फनी भी है। जब भी आप किसी एनिमी को यहाँ पर घायल कर देते हो वो रिवाइव के लिए अपने टीममेट का इंतजार कर रहा होता है या फिर टीममेट की तरफ धीरे धीरे बढ़ता है, तो आप मजे लेने के लिए उसको अपने कंधे पर टांग करके कहीं पर भी जा सकते हो, और जैसे ही वो मर जाता है तो आपके कंधे से वो बिल्कुल छूट जाता है और नीचे उसकी पेटी दिखाई देती है आपको, जिससे आप गन्स वगैरह ले सकते हो। लेकिन तब तक वो जब तक नहीं मरता है, उसकी हेल्थ पूरी खत्म नहीं हो जाती है, तब तक आप उसको अपने कंधे पर टांग सकते हो। तो मुझे ये फीचर काफी फनी लगा और मैंने दो तीन जो प्लेयर्स हैं उनके साथ में ये ट्राई भी किया था। इसके अलावा जैसे ही आपको कोई गोली वगैरह मार देता है इस गेम में और आप जो है डेड हो जाते हो, उसके बाद में आप डेथ रिप्ले भी देख सकते हो, यानी कैसे आपको उस प्लेयर ने मारा था, कौन से गन से मारा था और आप सामने से कैसे दिख रहे थे, वो सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डेथ रिप्ले में। और अगर आप 18 से ऊपर की उम्र के हो तो आप 6 घंटे इसको डेली खेल सकते हो, अगर आपकी उम्र 18 से कम है तो आप डेली 3 घंटे इसको खेल पाओगे, उसके बाद में इसको नहीं खेल पाओगे। लेकिन ज्यादातर लोग आपको पता है फेसबुक वगैरह से लॉग इन करेंगे तो एज में यहाँ पर कुछ दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इसको कम ही खेलिएगा, एडिक्शन के तौर पर ये बिल्कुल खराब गेम होती है, आपको भी पता है, आप इसको बस टाइम पास के लिए थोड़ा सा खेल सकते हो। पहली बार एक्सपीरियंस कुछ अच्छा था लेकिन उसके बाद से ग्राफिक्स में कुछ मुझे दिक्कत आने लगी। आप देख सकते हो थोड़े बहुत आपको चेंज देखने को मिलेंगे, कुछ जो है मेन हाईलाइटेड फीचर थे मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी आप ये गेम खेल रहे हो या फिर नहीं, नीचे आप कमेंट करके बता दीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसी लगी वो भी बता दीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद, वंदे मातरम।